यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना पहचान पत्र या वोटर आईडी डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना है वोटर आईडी। सर्च करने के बाद यहाँ आपको इस प्रकार की लिंकें शो होने लगेंगी। सो गाइस, पहली वाली लिंक पर वोटर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप पहचान पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईपीआईसी डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपनी आईडी है वो लॉगिन कर सकती है। तो मैं यहाँ से आप अपनी यूजर आईडी फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन करके बताऊंगा। अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो यहाँ से आप अपनी यूजर आईडी बना सकते हैं और यहाँ से फिर बनाने के बाद यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको यहीं से आपको फुल तरीके से बताऊंगा। यहाँ आप अपनी यूजर आईडी लॉगिन कर लें। और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको उसी प्रकार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके यूजर आईडी पर ओपन हो जाएगी। यहाँ से फिर इसी वाली लिंक पर क्लिक कर देंगे। ईपीआईसी डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका ईपीआईसी नंबर डालना है और फॉर्म रेफरेंस नंबर हो तो फॉर्म रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। ईपीआईसी नंबर आपका खो गया है या आपका फॉरगेट या भूल गए हैं तो ईपीआईसी नंबर कहाँ से लाएं? अगर ऐसी ईपीआईसी नंबर ढूंढने के लिए मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है उस वीडियो को देखकर आप अपना ईपीआईसी नंबर देख सकते हैं। आप यहाँ इस वाले ऑप्शन में ईपीआईसी नंबर डाल देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट स्टेट, यहाँ अपनी जो राज्य स्टेट है वो फिल कर देंगे और यहाँ सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपका जो वोटर आईडी है वो उसकी फुल डिटेल आपको शो होने लगेगी। सो गाइस, इसको इस पेज को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी पर उस पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी पहुंच जाएगी और जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी उससे ओटीपी लेकर फिल कर देना है। और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड है वो फिल कर देना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको डाउनलोड ईपीआईसी पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड ईपीआईसी पर क्लिक करने के बाद आपका जो पहचान पत्र है वो पूर्ण तरीके से डाउनलोड हो गया है। आपको मैं ईपीआईसी जो आपका पहचान पत्र है वो आपको बिल्कुल शो डिटेल में बताऊंगा। ये आप मेरा जो मैंने अभी डाउनलोड किया है वो मेरा पहचान पत्र है वो डाउनलोड हो गया है। सो गाइस, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे टेक इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।